गुड मॉर्निंग, मैं लोकेश चौधरी, आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप ऑफ संभाजी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक बुक चल रही है, जिसमें सेकेंड यूनिट कोऑर्डिनेट कंपाउंड संकुल यौगिक चल रही है। इसके बाद टॉपिक नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, संकु यौगिकों का आईपीसी जो नामकरण था वो चल रहा था, जिसमें हमने जिसके रूल्स थे उनको हमने देख लिया था कि रूल्स क्या क्या है। एक बार पुनः रूल्स को हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यानी कि संकुल यौगिकों का जो नामकरण करते हैं वो नामकरण सामान्य यौगिकवादी सबसे पहले जो हमारे पास में प्रत्यायन है, प्रत्यायन दो प्रकार के होते हैं। यानी सबसे पहले हम धनात्मक प्रत्यायन का नामकरण लिखते हैं। ठीक है, धनात्मक प्रत्यायन के संख्या के पास में जैसे मान लो 2, 3, 4 हो, उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा हम स्पेस छोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लिखते हैं लिगेंडों का नामकरण। ठीक है, लिगेंड यदि हमारे पास में किसी संकुल यौगिक में दो या दो से अधिक लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तो उस स्थिति में उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया जाता है। जिसका नाम पहले आता है उसका नाम पहले लिखते हैं, जिसका नाम बाद में आता है अंग्रेजी अल्फाबेटिक में उसका बाद में लिखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में लिगेंडों की संख्या 2, 3, 4 हो तो उनको डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इत्यादि लिखते हैं, जैसे डाई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। ठीक है, अगर लिगेंडों के नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा पेंटा पहले से ही नाम में हो, ये लिगेंड ये नाम नहीं हो, जैसे अपने पास में ईएन है, एथिलीन डाई एमीन है, तो नाम में पहले से ही हो तो उनके जो पूर्ण लगन है डाई के लिए लेते हैं 20, ट्राई के लिए 30, 4 के लिए टेट्रा 20 और पेंटा 20। ठीक है, अगर लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा हो तो पूर्व लगन के रूप में यदि डाई है तो हम 20 काम में लेते हैं, ट्राई है तो 30 काम में लेते हैं, टेट्रा है टेट्रा किस, पेंटा है पेंटा किस, हेक्सा है हेक्सा किस काम में लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ में फिर हम लिखते हैं हमारे पास में धातु आयन है। अब धातु आयन यदि हमारे पास में उदासीन है, ठीक है, तो उसका मूल नाम लिखा जाता है। यदि हमारे पास संकुल यौगिक है वो उदासीन है तो उसका मूल नाम लिख देते हैं, हमारे पास में क्रोमियम है, आयरन है, यानी उनका मूल नाम लिख देंगे। अगर हमारे पास में धातु आयन निरावेशित है तो धातु के अंत में हम लगाते हैं एट, क्या लगाते हैं एट, जैसे क्रोमेट, फेरेट, ऑक्सलेट। ठीक है, उसके बाद में छोटे कोष्टक में धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन संख्या में लिखते हैं। धातु का नाम लिखने के बाद में छोटे कोष्टक में रोमन संख्या में फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उसको रोमन संख्या में लिखा जाता है कि हमारे पास में धातु की जो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, उसके पश्चात यदि हमारे पास में संकुल पर आवेश धनावेशित हो तो उसके अंदर लगा देते हैं आयन। ठीक है, ये मेरे पास में अगर ऋणावेशित है तो 8i जाएगा, और यदि संकुल पर आवेश हो पॉजिटिव दे रखा हो तो अंत में हम क्या लगा देते हैं, आयन लगा देते हैं। और उसके अंत में यदि हमारे पास में ऋणात्मक प्रति आयन हो तो उसकी संख्या को भी हम नहीं लिखते हैं।
ये है हमारे पास लिख मान लो इस औसत से बाहर सीएफी है, तो इसको ट्राई क्लोरो ने लिख के हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड है, क्या लिखेंगे, क्लोराइड, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में यदि कार्बोनिल लिगेंड है या हमारे पास में कार्बन स्पेसिस के साथ में कोई भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ लिगेंड है उसको हम छोटे कोष्टक में लिखते हैं, जैसे हमारे पास में कार्बोनिल वाला, ठीक है। और ये हमारे पास में रूल्स हैं। अब 5-7 एग्जांपल हमने उस दिन देख लिए थे और 5-7 एग्जांपल हम आज देख लेते हैं, उनका आप हल्के से देख लेते हैं, हमारे जो नियम है वो भी काम में आ जाएंगे, ठीक है। टॉपिक है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, संकुल यौगिकों का आईयूपीएससी नामकरण। इसमें हमारे पास में पहला एग्जांपल हम लेते हैं Fe, इन्हें हमारे पास में सेंट्रल मेटल हमारे पास में क्या Fe है, Pn2Cl2, ठीक है। हमारे पास में दो संकुल आयन आपस में जुड़े हुए हैं और दूसरा है NH3 और NH3 संख्या हमारे पास में तो Cl4। सबसे पहले हम इस संकुल यौगिक में जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, जिसको हमने माना एक्स है। En एक उदासीन लिगेंड है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, इसके लिए हमारे पास में जीरो। क्लोरीन यानी जो क्लोरो है वो एक ऋण आवेश लिगेंड है, यहाँ पे संख्या कितनी है, 2 है, -2। फिर हमारे पास में ये सेंटर मेटल है, हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। और NH3 वही एमीन 0, -4 बराबर 0, ठीक है। -4 -2 -6, 2x -6 बराबर 0, x बराबर 3, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में जो आयरन है और जो क्रोमियम है वो कौन सी अवस्था में है, थर्ड अवस्था में है, ठीक है। अब देखो इसका आईपीसी नेम लिखिए हम, बिस या डाई क्लोरीडम, डाई क्लोरीडम बिस एथिलीन डाई एमीन, बिस एथिलीन डाई एमीन और आयरन थर्ड, आयरन थर्ड। और फिर हमारे पास में है दूसरा है टेट्रा क्लोरीडो, टेट्रा क्लोरीडो साथ में अमीन है ना, पहले डाई एमीन थे, डाई एमीन टेट्रा क्लोरीडो, टेट्रा क्लोरीडो क्रोमेट थर्ड, ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। सबसे पहले मैंने कहा कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीकरण अवस्था को हम एक्स मानते हैं, जो हमारे पास में धनावेशित है, ऋणावेशित है, उदासीन है, उनकी संख्या लिख के एक्स का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक्स का मान कितना आया है, 3 आया है, यानी दोनों की अवस्था कितनी है, थर्ड थर्ड है। ये हमारे पास में प्लस 3, ये हमारे पास में माइनस 3, ये प्लस 3, ये -4, तो बस में कैसा है, ऋणावेशित है, हमने क्या लिख देंगे, क्रोमेट थर्ड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल है CR EN होल ट्राइस CR C2O4 3, ठीक है। सबसे पहले हम यहां निकाल लेंगे ऑक्सीकरण अवस्था, निकालेंगे ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए सेंट्रल मेटल आयन दोनों में ही क्या है, क्रोमियम है, इसको माना हमने एक्स और एन कैसा है, उदासीन लिगेंड है, प्लस एक्स ऑक्सेलेटो, ऑक्सेलेटो हमारे पास में द्वि तंतुकी
और इसका आगे कितना होता है माइनस टू, माइनस सिक्स बराबर जीरो, टू एक्स बराबर सिक्स, एक्स बराबर तीन। ठीक है, वही कंडीशन है हमारे पास। नाम देंगे ट्रिस एथिलीन, ट्रिस एथिलीन डाई एमीन, ट्रिस एथिलीन डाई एमीन, क्रोमियम थर्ड, फिर ट्राई ऑक्सेलेटो, ट्राई ऑक्सेलेटो, ट्राई ऑक्सेलेटो क्रोमेट थर्ड। ठीक है, इसके बाद पास देखो ये थर्ड है, ये जीरो, ये प्लस थ्री, ये माइनस सिक्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास में क्रोमियम सेंटर मेटल आयन है, एक इंगेन हमारे पास में एन है, दूसरा हमारे पास में एक्वा है, फिर हमारे पास में क्लोरो है, एक हमारे पास में एनो है, एक हमारे पास में सीएल। ठीक है, इसका हम निकालें, क्रोमियम को हमने माना एक्स जीरो जीरो, ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है, माइनस वन माइनस वन, और सीएल के लिए माइनस वन बराबर जीरो, एक्स बराबर तीन। ठीक है, क्रोमियम यहाँ पे थर्ड है, ये प्लस थ्री है, माइनस वन माइनस वन माइनस टू है। आवेश को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, धनात्मक प्रति आयन सी एल लगाया गया है। ठीक है, इसका आप आई पी सी नेम लिखें तो सबसे पहले जो हमारे पास में एथिलीन डाइएथिलीन एक्वा क्लोरो, तो सबसे पहले जो क्या एक्वा है, एक्वा, दूसरा है क्लोरिडो एक्वा क्लोरिडो एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन नाइट्रो। ठीक, क्रोमियम थर्ड, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक है, सबसे पहले हमने एक दो तीन चार लेवल हैं, इन चार लेवल में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्या आता है, एक्वा यानी ए क्यू यू ए एक्वा हो गया, फिर क्लोरिडो क्लोरिडो, फिर एथिलीन डाई एमीन, फिर नाइट्रो, पहले ए है फिर सी है फिर ई है फिर एन है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं, एक्वा क्या था, एक्वा क्लोरिडो एथिलीन डाई एमीन नाइट्रो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, और ये हमारे पास में क्या है, धनात्मक प्रति आयन है, और धनात्मक प्रति आयन की संख्या को भी लिखते हैं, और ये उसमें क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं क्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल है सी आर ई एन थ्री सी ओ सी एन सिक्स। सबसे पहले निकालेंगे वो इसका ऑक्सीकरण फंक्शन निकालेंगे, इसको माना हमने एक्स जीरो, एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर तीन आ गया है। ठीक है, इसका आई बी सी नेम लिखें, ट्रिस एथिलीन, ट्रिस एथिलीन डाई एमीन, ट्रिस एथिलीन डाई एमीन
क्रोमियम थर्ड हेक्साइनम हेक्साइनम कोबाल्ट ये इसका आईबीसी नेम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम इनका आईबीसी नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी हमारे पास में देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पांचवा एग्जांपल है CO NH3 5 CO NH3 5 H2 CN3। ठीक है, इसका आईबीसी नेम लिखने के लिए इसको माना हमने एक्स प्लस जीरो माइनस तीन बराबर जीरो एक्स बराबर थ्री। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास में प्लस तीन अवस्था में है, शून्य शून्य है, और हमारे पास में सी एन थ्री क्यों आ गया है, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक सेंट्रल मेटल आयन में धनात्मक ज्यादा था, इसको बैलेंस करने के लिए CN3 ऋणात्मक प्रति आयन के रूप में लिखा गया है। ठीक है, आईबीसी नेम क्या होगा, देखो पेंटा एमीन पेंटा एमीन एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। यहाँ पे ट्राई क्लोराइड न लिखकर हम क्या लिखते हैं, ट्राई क्लोरो न लिख के ओनली क्लोराइड लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, छठा एग्जांपल है CO NH3 4 H2 CN। ठीक है, और प्लस तो यहां पे देखो क्या होगा, इसको माना हमने एक्स, ये हमारे पास में जीरो है, ये भी जीरो है, माइनस वन बराबर एक। अगर प्लस का है तो बराबर उस साइड में प्लस का लगाते हैं, माइनस का है तो माइनस का लगा देते हैं। एक्स बराबर दो, एक्स बराबर दो आ गया। इसका आईपीसी नेम लिखे हैं टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट सेकेंड आयन। अगर हमारे पास में संकुल आयन धनावेशित हो या ऋणावेशित हो तो अंत में हम क्या लगाते हैं, वहां पे आयन लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल सातवां है Na2 Cu Cl4। ठीक है, इसका भी हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे, 2 + x - 4 = 0 x = 2। Cu+2 है, ये -4 है। आवेश को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, धनात्मक प्रति आयन लगाया है। धनात्मक प्रति आयन की संख्या के साथ में 2-3 लगा होता है तो हम वहाँ पे डाई ट्राई काम में नहीं लिखे, डायरेक्ट उसका नाम लिखते हैं, जैसे सोडियम। ठीक है, इसका नाम लिखने के बाद में धनात्मक प्रति आयन और ऋणात्मक प्रति आयन
उन दोनों को लिखने के लिए बीच में स्पेस की आवश्यकता होती है, हमने स्पेस छोड़ा। फिर हमारे पास में टेट्रा क्लोरिड, टेट्रा क्लोरिड क्यूप्रेट, क्यूप्रेट सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है CR NH35, CR NH35 ONO और CN, ठीक है। इसका भी निकालेंगे, ऑक्सीजन भी निकालेंगे, क्रोमियम के लिए भी क्या लिया है X लिए, इसके लिए हमारे पास में क्या है जीरो है, ONO -1 -2 बराबर 0, X बराबर 3, ठीक है। यहाँ पे क्रोमियम थर्ड है, ये -1 -2, आवेश को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या है ऋणात्मक प्रति आयन लगाया गया है। इसका आवेश नहीं देखें तो क्या होगा, देखो पेंटा पेंटा एनिन ओ नाइट्रो क्रोमियम क्रोमियम थर्ड क्लोराइड क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल CO Cl2 NH34+, ठीक है। इसका अल्वेसी नेम लिखने के लिए सबसे पहले निकालेंगे इसकी ऑक्सीजन अवस्था X-2+0=1 X=3, ठीक है। तो फिर इसका नाम क्या होगा, देखो टेट्रा एमीन टेट्रा एमीन डाइक्लोरिडो डाइक्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड आयन कोबाल्ट थर्ड आयन हो जाएगा, ठीक है। एक नाम और लिखते हैं इसका अरेबिक का, ठीक है। इसमें हमारे पास में 7-8 के नियम हैं।
उन नियमों का पालन करते हुए हम किसी भी संकुल यौगिक का आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। इसके जो नियम है उनको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास में रूल नंबर फर्स्ट है, संकुल यौगिकों का आईपीएससी नेम लिखने के लिए सबसे पहले धनात्मक प्रति आयन का नाम लिखा जाता है। ठीक है, धनात्मक प्रति आयन का मतलब ये है कि जो वर्गाकार कोष्टक है, वर्गाकार कोष्टक के स्टार्ट के अंदर, जो वर्गाकार कोष्टक है उसके बाहर जो भी हमारे पास स्पर्शी है, हमारे पास में Na2 है, K2 है, K4 है, ठीक है, वो सभी हमारे पास में कैसे होते हैं, धनात्मक प्रति आयन होते हैं। सबसे पहले धनात्मक प्रति आयन यदि संकुल यौगिक में प्रेजेंट है उसका नाम लिखा जाता है। उसके साथ में कोई संख्या जुड़ी हुई है 2, 3, 4 उसको हम नहीं दर्शाते हैं, डायरेक्ट Na2 है तो सोडियम लिखेंगे, K4 है ओनली पोटेशियम लिख देंगे। उसके बाद में हम छोड़ेंगे स्पेस, स्पेस छोड़ने के बाद में फिर हम लिखते हैं लिगेंडों का नामकरण। लिगेंड हमारे पास में एक प्रकार के हो सकते हैं, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। अगर दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लिगेंड प्रेजेंट हैं उनका आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिखते समय उनका जो क्रम होता है, लिखने का क्रम होता है, उनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। अगर समान प्रकार के लिगेंड 2 हैं 3 हैं 4 हैं 5 हैं तो क्रमशः डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ठीक है, इस प्रकार उनका नाम से पहले लिख देते हैं। हमारे पास में Cl4 है, टेट्रा क्लोरिडो है, ठीक है, Ns3 का हमारे पास होल 6 है तो उसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास में हेक्साएमीन है, ठीक है। अब देखो साथ में हमारे पास में अगर किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई हो, जैसे EN है, एथिलीन डाई एमीन है, तो यदि हमारे पास में 2 है तो 20 लिखते हैं 20, 3 है ट्रिस लिखते हैं EN3 हो ट्रिस लिख देंगे, 4 हो EN4 हो तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रा किस 5 हो तो पेंटा किस 6 हो, हेक्सा किस लिखते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि हमारे पास में जो संकुल आयन धनावेशित है तो हम धातु का मूल नाम लिखते हैं, क्रोमियम, आयरन, अर्जेंटम, ठीक है। यदि हमारे पास में जो संकुल है उरेणावेशित है तो धातु आयन के अंत में क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं, क्रोमेट, ठीक है, और फेरेट अंत में क्या जाएगा हमारे पास में, क्यूप्रेट, ठीक है। इसके बाद में हम लिखते हैं हमारे पास में छोटे कोष्टक में धातु आयन की जो ऑक्सीजन अवस्था निकलती है उसको हमें छोटे कोष्टक में रोमन संख्या में लिखते हैं, सेकेंड है, थर्ड है, उसको रोमन संख्या में लिख देते हैं, ठीक है। साथ में हमारे पास में धातु को और लिगेंड को उनके बीच में किसी प्रकार का स्पेस नहीं छोड़ा जाता है, उन्हें एक ही लाइन में लिखा जाता है। इसके पश्चात यदि हमारे पास में ऋणावेशित प्रति आयन पड़ रहे हैं, ये हमारे पास में ऋणावेशित प्रति आयन है, उसको अंत में उसकी संख्या को न लिख के हमारे पास में क्या जाएगा, क्लोराइड, ठीक है। इस प्रकार हम उसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर करते हैं। साथ में हमारे पास में जैसे ऑक्सीजन युक्त लिगेंड है, जैसे हमारे पास में कार्बन ऑक्सीजन लिगेंड होते हैं उनको हम उनको लिगेंड लिखते समय उनके छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। हमारे पास में ONO है, CO है, CN है, ठीक है, इसी प्रकार के सभी लिगेंडों को हम क्या लिखते हैं, छोटे कोष्टक में लिखते हैं, ठीक है, यानी बहु ऑक्सीजनित जो लिगेंड है उनको छोटे कोष्टक में लिखा जाता है, ठीक है। और यदि हमारे पास में संकुल आयन पर धनावेश या ऋणावेश हो तो अंत में हम क्या लगाते हैं, उसमें आयन लगा देते हैं, ठीक है। धन्यवाद।